आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर कैसे किया जाता है। ट्रेकियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके दौरान डॉक्टर आपके गले पर एक कट लगाकर एक छेद करता है और फिर छेद में एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अंदर डाला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रोसीजर आखिर क्यों और कैसे परफॉर्म किया जाता है? देखिए, अगर किसी भी वजह से हमारे सांस लेने का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो इस दौरान यह प्रोसीजर हमें सांस लेने में मदद करने के लिए हवा का रास्ता बनाता है। देखिए, ट्रेकियोस्टोमी करने का कई कारण हो सकते हैं, जैसे गले या मुंह में किसी चोट की वजह से सांस लेने की नली में रुकावट आ जाना, सांस लेने वाली नली या तो सिकुड़ जाए या किसी वजह से उसकी मसल्स पैरालिसिस हो जाएं इस वजह से, या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से सांस लेने के लिए ज़्यादा लंबे समय तक वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा ट्रेकियोस्टोमी करने की और भी कई वजह हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि यह प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। कि ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर के दौरान मरीज को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिससे कि मरीज को प्रोसीजर का पता नहीं चलता। इस प्रोसीजर में कुछ मरीजों को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया की बजाय उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जहां गले में परफॉर्म करना होता है प्रोसीजर, वहीं इंजेक्शन लगाया जाता है और वहीं मसल्स को। इस प्रोसीजर में डॉक्टर के द्वारा मरीज के गले के फ्रंट पर एक कट लगाया जाता है, उसके बाद सराउंडिंग मसल्स को कट लगाकर उसको साइड में किया जाता है। धीरे धीरे ये सारी मसल्स को पीछे की ओर हटाया जाता है और सांस की नली तक पहुंचा जाता है। फिर डॉक्टर सांस लेने वाली नली पर एक कट लगाकर छेद किया जाता है। इस छेद के अंदर ट्रेकियोस्टोमी अंदर डाला जाता है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एक रिबन के द्वारा गर्दन पर बांध दिया जाता है और जिसे ट्यूब की एक ही जगह पर बनी रहती है। कुछ मरीज इस नली के द्वारा खुद सांस ले सकते हैं, लेकिन कुछ मरीजों को वेंटिलेटर यानी सांस देने वाली मशीन की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब टेम्परेरी तौर पर किया जाता है, कुछ समय के लिए ही किया गया है, तो मरीज ठीक होता है। धीरे धीरे इसको ब्लॉक करते हुए इसको निकाल दिया जाता है ट्यूब को। लगभग एक महीने का टाइम लगता है। इस दौरान मरीज बोल नहीं सकता, तब वह सिर्फ थोड़ा सा समझा पाता है अपनी बातों को। उस दौरान थोड़ा खाने पीने में भी तकलीफ होती है, पर जैसे ये ट्यूब निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, आराम से बोल पाता है। ट्रेकियोस्टोमी के दौरान बताया जाता है कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की केयर कैसे की जाती है, सक्शन कैसे किया जाता है, यदि कफ आए तो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मरीज को और मरीज के साथ वालों को दी जाती है। यदि यह ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हमेशा के लिए डाली गई है या परमानेंट डाली गई है तो फिर मरीज को इसकी आदत डालनी होती है, तो उसे बोलने के लिए एक स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है, जो स्पीच थेरेपी उसे बोलना सिखाती है और दूसरा उसको खाना पीना सिखाते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके ये ट्यूब के साथ में। इसलिए उसको थेरेपी देना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इस मिस्टर श्याम यूट्यूब चैनल पर मेडिकल की नॉलेज मिलती है, तो आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।